हेलो एवरीवन, हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरस्टिशियल ऐड। बेसिकली हम इंटरस्टिशियल ऐड को कैसे लगा सकते हैं अपने ऐप पे, कैसे एम्बेड कर सकते हैं, बेसिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वो सीखते हैं आज इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो वी आर यूजिंग द सेम ओल्ड एमटीके इंजीनियरिंग ऐप। हम पुराने वाले एमटीके इंजीनियरिंग ऐप को ही ले रहे हैं, जो मेरा पुराना वाला ऐप था। तो आपको बेसिकली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, developers.google.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इंटरस्टिशियल एड्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। सो एंड देर इज़ प्री रिक्वेस्ट गूगल मोबाइल एड्स SDK वर्जन 19 और हायर। SDK 19 और हायर होना चाहिए, तभी आप ये हो सकता है, आप ये कर सकते हो, राइट। सो कंप्लीट द गेट स्टार्टेड गाइड। तो अगर आपने एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो ना करें, बिकॉज़ आपको ये भी स्टेप करना पड़ेगा। एंड उसमें एक एक्टिविटी होता है कि इंटरस्टीशियल ऐड एक्टिविटी, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। तो आप इस जो ये जो स्टेप है उसको आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इंटरस्टीशियल ऐड एक्टिविटी सिलेक्ट किया है, तो गूगल मेविन सेंट्रल ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है ग्रेडल्स में, गूगल मवेन सेंट्रल, राइट। एंड अगर आपके प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुआ है, तो आप ये कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो, ओके। फिर आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी प्ले सर्विसेज एड्स की, राइट। तो आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने ये इंटरस्टीशियल ऐड एक्टिविटी सेलेक्ट किया था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है। तो अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप ये आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। मेटा डाटा आपको ऐड करना पड़ेगा मैनिफेस्ट में, वो भी कर लेते हैं। ये रहा मैनिफेस्ट, यहाँ पे मैंने मेटा डाटा यूज़ कर लिया। एंड आपको यहाँ पे जो आईडी है वो अपना आईडी यहाँ पे लगाना है, बिकॉज़ ये जो आईडी है वो टेस्ट वाली आईडी है, और ये जो आईडी है आपको अपने एडमॉब के अकाउंट में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आफ्टर दैट आपको ये जो है मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज वाला जो कॉपी कोड है, ये कॉपी कर लेना। नाउ नाउ यू हैव टू इनिशियलाइज द गूगल मोबाइल एड्स SDK, राइट। तो उसके लिए आपको मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज वाला कॉपी कर लेना कोड। ये कॉपी करके आपको आ जाना है मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे आने के बाद आपको ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। पेस्ट मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब हमें करना है इंटरस्टीशियल ऐड को इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया सब कुछ। एंड आपको यहाँ पे एक मैं मैसेज दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन बिल्डिंग एंड टेस्टिंग योर एप्स मेक श्योर यूज टेस्ट एड्स रादर देन लाइव प्रोडक्शन एड्स। फेलियर टू डू सो कैन लेड टू सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट। तो आपको टेस्ट एड यूनिट ही यूज़ करना है। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया, दो तीन बार अगर आपने प्रोडक्शन वाला एड यूनिट यूज़ किया है, तो आपका ऐप जो है, आपका अकाउंट जो है, वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो आप उसको ये अवॉइड करना है, राइट। ये जो जितनी भी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, राइट। मैंने पहले से ही पेस्ट किया हुआ है। नाउ
इस पूरे पूरे कोड को कॉपी करना है। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है, लोड ऐड का, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सेट द फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक। तो आपको ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, राइट। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे आपको जो मैंने ऑन लोड का फंक्शन बनाया था, राइट, एंड ऑन लोड ऑन एड लोडेड के अंदर ही मैंने पेस्ट कर दिया है, आपको भी सेम करना है। एंड ऑन क्रिएट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? शो द एड। जहां पे आपको एड शो करना है, आपको बस ये जो इफ एल्स का कंडीशन है, आपको बस ये कॉपी पेस्ट कर देना है वहां पे, राइट। तो मुझे क्या करना है कि वेन एवर यूजर क्लिक्स दी बटन, राइट, ओके, लोड हो रहा है। तो जब भी यूजर इस वाले बटन पे क्लिक करे, ओके, तो ऐड दिख जाए मुझे, राइट। तो ऐड देखने के लिए उस बटन के सेट ऑन क्लिक उस बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे आ जाते हैं। उस लिसनर पे आने के बाद आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक और एक्टिविटी को कॉल किया है, राइट। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे दूसरे क्लिक पे ऐड यहाँ पे शो हो जाए, राइट। तो जब भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा उस बटन पे, टोटल क्लिक्स में वो वैल्यू प्रिजर्व हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर से क्लिक करेगा तो टोटल क्लिक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड अगर टोटल क्लिक्स की वैल्यू इवन होगी तब मैं अपने ऐड को शो कर दूंगा, राइट। ये जो तरीका है इज द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। आपको भी ये यूज करना है। ये जो प्रैक्टिस है उससे आपका जो ऐप है वो बैन नहीं होगा और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी नहीं होगा, राइट। तो इवन नंबर्स पे मैंने अपने ऐड को शो करवाया है बेसिकली, राइट। मैं आपको अपने डिवाइस पे भी दिखाता हूँ कि 2 क्लिक के बाद ही जो ऐड है, इंटरस्टिशियल ऐड है, वो शो हो रहा है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली हम आ जाते हैं अपने मोबाइल डिवाइस पे। यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं। रन पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी लॉन्च हुआ, तो ये इंटरफेस, राइट। अब देखो क्वालकॉम मोड पे जैसे मैंने क्लिक किया, सेकंड एक्टिविटी खुला, राइट। अब मैं बैक जाता हूँ, राइट। एक और बार मैंने क्लिक किया तो मुझे ऐड दिख गया। सो मैंने इवन इवन क्लिक पे मैंने अपने ऐड को शो करवाया है, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, सो दैट योर अकाउंट इज़ नॉट सस्पेंडेड इन फ्यूचर। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। 2 क्लिक के बाद ही मैंने अपने ऐड को शो करवाया है। आप भी ये करिए, बिकॉज जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड होने से बच सकता है। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइज, एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग दिस यूट्यूब चैनल फॉर क्वालिटी कंटेंट्स। एंड अगर आपको इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।